अस्सलामुअलैकुम एंड लेट्स गेट राइटिंग। आज बात होगी बहस की, यानी आर्ग्यूमेंटेटिव नॉन फिक्शन, मगर बहस बराए बहस के लिए नहीं, बगर बहस टू कन्विंस। सो नॉन फिक्शन में जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं फैक्ट्स की, रियलिटीज़ की, ट्रू डिटेल्स की, मगर जब हम आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करते हैं तो हम अपने फैक्ट्स की बात करते हैं। थ्रू आउट दिस नॉन फिक्शन section, I have talked about my fact is different from your fact, but they're both facts. इसको मैं थोड़ा सा elaborate करूँगी because यहीं से जो है इसकी argumentative non fiction जो है वो वहाँ से stem करता है या वहाँ से शुरू होता है। तो situation ये है कि अगर मैं यहाँ से देखती हूँ तो मुझे नज़र आता है 16 नंबर, मगर अगर आप मेरे opposite खड़े हैं तो वही 16 नंबर आपको 91 नज़र आता है, 16 and 91. I see it as 16 and it is my fact. You see it as 91 and that is your fact. और argument कहाँ से शुरू होती है? जब मैं कहती हूँ नहीं ये 16 है और आप कहते हैं नहीं ये 91 है, और मुझे convince करना है आपको कि ये 16 ही है, 91 नहीं है. And that is where argumentative non-fiction starts, where you present your arguments and you try and convince the person in front of you who is looking at it differently that no, it is 16, it is the fact that I am saying, it is what the truth is, what I am saying, and that is where you are trying to convince people that they have to believe what you are saying. यहाँ पर ये थोड़ी सी different हो जाती है persuasive non-fiction से. So if you look at it, an argumentative piece is a writing piece meant to convince someone to think the way you do. सो परसुएजन जो है वो बात कर रही है परसुएड करने की, आप उनको कायल करना चाहते हैं कि वो इस बात को मान लें कि आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, या जो आप उनसे करवाना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। मगर आर्ग्यूमेंटेटिव पीस ये है कि आप चाहते हैं कि लोग वो देखें, वो सोचें और उस पर कन्विंस हो जाएं जो कि आप कह रहे हैं या जो आप कहना चाहते हैं। अब ये ज़रा मुश्किल काम है, परसुएड करना तो आप आराम आराम से, प्यार प्यार से, एक तरीके से कर देते हैं, मगर जब आपको आर्ग्यूमेंट देना पड़ता है, जब आपको किसी को कन्विंस करना पड़ता है, तो उसमें आपके पास बहुत सारा बैकिंग होना चाहिए, डेटा का, फैक्ट्स का, रिसर्च का, एविडेंस का, कि यू आर राइट एंड यू नो यू आर राइट बिकॉज यू हैव एविडेंस दैट सेज यू आर राइट एंड देयर आर पीपल हु आर agreeing with you that are right. So there's endorsement and evidence both, and therefore you can have a winning argument or a argumentative non-fiction that is convincing of what your point of view is. So if you want to write an argumentative non-fiction, so we keep the position in mind. हम ये कहते हैं कि हम position क्या ले रहे हैं। सबसे पहले तो हमने फैसला करना है कि हमने 16 कहना है या हमने 91 कहना है। तो हमने फ़ैसला कर लिया कि जी हमने 16 कहना है। इसी तरह अगर हम एक और एग्ज़ाम्पल लें कि एक कॉन्वर्सेशन है, और ये मैं पूरा जो एलिमेंट ऑफ आर्ग्यूमेंटेटिव नॉन फिक्शन है इसी एक एग्ज़ाम्पल के साथ आगे लेके चलूँगी, दैट देयर इज़ अ कॉन्वर्सेशन दैट इज़ टेकिंग प्लेस बिटवीन पेरेंट्स एंड अ गर्ल। मायरा नाम है उस लड़की का। अब मायरा जो है उसने ये पोजिशन ली है कि शी वॉन्ट्स अ लेटर टाइम कर्फ्यू। उसके माँ बाप कहते हैं कि भाई शाम को 7 बजे तक घर आ जाया करो। वो कहती है नहीं, मुझे ज़रा ज़्यादा टाइम चाहिए बाहर, मुझे रात को 8 बजे वापस आना है। उसने वो पोजीशन ले ली है, शी इज़ डिसाइडेड दैट पोजीशन। हर पेरेंट्स आर सेइंग कम बैक एट 7, शी इज़ सेइंग नो आई वांट टू कम बैक एट 8। अब रीज़न क्या है? मायरा का रीज़न ये है कि अगर मैं 8 बजे तक बाहर रहती हूँ, इसका मतलब है मैं लाइब्रेरी में जाके पढ़ सकती हूँ, क्योंकि लाइब्रेरी जो है वो शाम तक बहुत बिज़ी होती है, बहुत लोग होते हैं, 7 बजे के बाद लोग कम होते हैं, तो मैं बड़े आराम से वहाँ पर जो किताबें मुझे चाहिए उनके साथ मैं पढ़ सकती हूँ। सो दैट इज़ हर रीज़न। एविडेंस, शी इज़ प्रेजेंटिंग द फैक्ट दैट इट इज़ बिज़ी ड्यूरिंग द टिल 7 o'clock एंड देयर इज़ nobody after 7 o'clock. So it is possible that the parents can go and find out from the librarian if this it is true or not, एंड शी ऑल्सो प्रेजेंट्स दैट केस कि जी आप लाइब्रेरी से भी पता कर लें, आप लाइब्रेरियन से भी पता कर लें, एविडेंस है कि लाइब्रेरी बिज़ी होती है, मुझे 7 बजे के बाद वहाँ पर सुकून मिलता है, मैं आराम से पढ़ सकती हूँ। तो शी इज़ ऑल्सो प्रेजेंटिंग एन एविडेंस, काउंटर आर्ग्यूमेंट। अब उसको पता है कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो काउंटर करेंगे कि अगर तुम जल्दी आओगी तो जल्दी सोगी, तो वेल रेस्टेड होगी, तो वो पढ़ाई से शायद बेहतर है, वो जो 1 घंटे की ज़्यादा पढ़ाई कर रही हो, तो जो तुमने थोड़े अरसे में रिटेन किया है वो रेस्ट करोगी तो रिटेन ज़्यादा होगा। तो ये इस पेरेंट्स का काउंटर आर्ग्यूमेंट है। तो इस पे मायरा कहती है मुझे पता है आप कह रहे हैं कि मैं अगर जल्दी आऊँगी तो जल्दी सोऊंगी, मगर ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं जल्दी आऊँ तो मैं जल्दी सोऊँ। सो देयरफॉर इफ़ यू अलाउ मी दिस 1 extra hour, it will actually benefit me more rather than coming back early. So she has countered the argument that her parents are going to give. So it is important that when we are talking about argumentative nonfiction, that we have a position, we tell the people our evidence, and we also very clearly give the counter argument to the counter argument that's going to be presented. तो इस एग्ज़ाम्पल से हम देखते हैं कि अगर हम इन चीज़ों पे तैयारी कर लेते हैं, ये चीज़ें हमारे पास होती हैं, तो हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंटेटिव नॉन फिक्शन बन सकता है। आर्ग्यूमेंटेटिव नॉन फिक्शन जो है वो ज़्यादातर लॉयर्स के साथ इस्तेमाल होता है, किताबों में भी होता है, मगर लॉयर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल करते हैं। सो इफ़ यू लुकिंग फॉर अ फ्रीलांस जॉब as a assistant to a lawyer or a researcher for a lawyer, so these kind of argumentative non-fiction pieces is something that you will be writing. Some examples that we have is Washington: A Life by Ron Chernow. Agar hum dekhte hain, so if you want to understand what's happening in America, you have to start from the beginning. Yani ki usne kaha ki ji America ke bare mein aap tab tak nahi jaan sakte jab tak aap shuru se nahi padhte. To usne argument apna wahan se shuru kiya hai ki masail America ke isliye hain क्योंकि ये शुरू ही गलत हुआ था। अगला वाला जो है वो है द बिग शॉर्ट इनसाइड द डूम्सडे मशीन बाय माइकल लुइस। इट्स प्रॉब्ली सेफ टू से दैट एब्सेंट सम काइंड ऑफ मैजिकल हॉलीडे मिरेकल, द फाइनेंशियल क्राइसिस दैट बिगैन इन 2007 वोंट बी ओवर इन 2010। उसने भी अपना पोजीशन बहुत क्लियरली बता दिया कि जो क्राइसिस है वो 2010 से पहले ख़त्म नहीं होने लगा। सो यू नो, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर writing an argumentative non-fiction, you have a position and a very clear position that anybody can tell. You know what you want to say, you have evidence about it, and you are clearly letting the audience know that this is your argument point, and you want them to be convinced about your argument because you know you're right, and they should know that you're right and believe you as well.